राई आज हम ये देख रहे हैं गोपालन के साथ साथ ये सूत्र नीति के गले से ऊपर के सारे रोगों को जड़ से खत्म कर देती है। पुराने से पुराना नजला हो, साइनस हो, अच्छा। ये जड़ से ठीक हो जाते हैं। और खांसी जुखाम ये तो होते ही नहीं है यदि इसको रूटीन में करते रहे। बुद्धि बहुत कुशाग्र हो जाती है, तो किसी भी साथी को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, बीमारियों को बिना किसी शुल्क के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के ठीक कर दिया जाता है। संस्कार। हरियाणा परिवार से जुड़े सभी भाइयों को राजभाई की तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। तो कहीं ना कहीं हमें बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने और बड़े बड़े हॉस्पिटलों के खर्च से बचना है तो हमारी गौ माता से जुड़कर हमें रहना और साथ ही साथ हमें योग से भी जुड़ने की जरूरत है। और यहाँ पर देख सकते हो रविंद्र शास्त्री मास्टर जी है जो कि योग के बहुत ही अच्छे जानकार है और साथ में नस्ल संवर्धन पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनकी भव्य गौ माताएं भी आप देख सकते हो, हरियाणा ब्रीड की गौ माताएं सामने स्क्रीन पे देख सकते हो और योग के बहुत अच्छे जानकार है मास्टर जी, वो आप देख सकते हो। निस्वार्थ भाव से निःशुल्क बड़ी से बड़ी बीमारी का, पुरानी से पुरानी बीमारी का इलाज करते हैं, निःशुल्क इलाज करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। शहर के बीचों बीच 8 से 10 गौ माताएं रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, वो आप देख सकते हो। चलिए सूत्र नीति के बारे में जानते हैं, बताइए मास्टर जी। राम राम मास्टर जी। राम राम राज भाई। संस्कार हरियाणा यूट्यूब चैनल परिवार के सभी साथियों को मेरा राम राम जी। गो प्रेमियों को, योग प्रेमियों को, सभी को मेरा राम राम जी। जी तो राज भाई आज हम ये देख रहे हैं गोपालन के साथ साथ ये सूत्र नीति है। जी जी। मेरे हाथ में जो रस्सी है ये सूत्र सूत की बनी हुई है, सूत्र नीति। जी जी। और इसके करने से ये मान लो कि शरीर के गले से ऊपर के सारे रोगों को जड़ से खत्म कर देती है। जी जी। जैसे कि पुराने से पुराना नजला हो, साइनस हो, अच्छा। ये जड़ से ठीक हो जाते हैं। अच्छा जी। और खांसी जुखाम ये तो होते ही नहीं है यदि इसको रूटीन में करते रहे तो। जी। और सबसे बड़ी चीज बुद्धि जो है, बुद्धि बहुत कुशाग्र हो जाती है यदि इसको करते रहे, क्योंकि ये मल को साफ कर देती है, गले के छाती तक के मल को साफ कर देती है। अच्छा जी। तो इसको आप करके दिखाएं, उससे पहले थोड़ी सी एक सावधानी मैं कहना चाहूंगा, किसी के सानिध्य में ही इसको करें जी। अकेला कोई व्यक्ति ना करे जी। शुरुआत जब करे तो किसी के सानिध्य में ही करे जी। जी। तो इसको कर रहे हैं, इसमें पहले सबसे पहले यही है कि इसको पानी में भिगो लेना होता है जी। मैंने इसको पानी में अच्छे से भिगोया है जी। उससे टाइट हो जाएगी जी। तो ये सीधी हो गई, थोड़ा सा आगे से मोड़ लें और नाक अपनी चेक कर ले, कौन सी नाक से सांस सही खुल के आ रहा है जी। तो दाई नाक से, राइट नोज से मुझे अच्छे से सांस आ रहा है जी। मैं उससे करके दिखा रहा हूँ जी। इसको धीरे धीरे नाक में डालना होता है, मुंह खुला रखना होता है जी। सांस हमें इस दौरान मुंह से ही लेना होता है जी। जी जी। तो देखिए अब कैसे करते हैं। ये ऐसे धीरे धीरे नाक में डालते रहेंगे जी। सांस मुंह से आता रहेगा जी। और जब ये गले में पहुंच जाए पता लग जाएगा, हाथ की इन दो उंगलियों से जी ऐसे जी। ये देखिए थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे जी। इस तरह से इसको कर सकते हैं, इसी तरह दूसरी नाक से हो जाएगी जी। इसको अच्छे से साफ कर ले जी। तो किसी भी साथी को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो जी। तो बिना अंग्रेजी, बिना देसी दवाई के, केवल प्राकृतिक चिकित्सा से, केवल खान पान और सत्कर्म के द्वारा उन बीमारियों को बिना किसी शुल्क के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के ठीक कर दिया जाता है जी। जी। तो किसी को भी कोई समस्या हो जरूर संपर्क करे, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 80-59-64-40-42 जी। 80-59-64-40-42 रविंद्र शास्त्री जी। जी जी। तो इसी के साथ राज भाई आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों को दोबारा राम राम, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, धन्यवाद।